जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम जानेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ वन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चों माइकल एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की वन और फोर्थ पोजिशन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। This reaction alpha beta unsaturated carbonyl compounds on treating with active methylene compounds yield 1,4 addition product which tautomerizes further into 1,2 addition product. इस रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे बनता है हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बच्चों, और ये टोटोमेराइज होके मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो सिंपली कहलाता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अब जो ऊपर डिस्कस किया था उसको हम लोग एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये हमारा रिएजेंट है और ये हमारा यहाँ पर सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट को अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटो कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है वो अल्फा और ये बीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, डेट्स वाई इट इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये CH2 ग्रुप है, तो जहाँ पे भी किसी कंपाउंड के अंदर CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। और मिथाइलिन ग्रुप पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, और इनका इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है वो मिथाइलिन जो होता है वो बन जाता है हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर नंबरिंग करें इस कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, तो 1, 2, 3, 4 चौथे पोजीशन पे आता है ऑक्सीजन और पहली पे। तो आपने कहा कि यहाँ पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सेम टाइम ड्यू टू कंजुगेशन ये यहाँ पर जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बीटा कार्बन है वन पोजिशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा, और यहाँ से ये वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये जो फॉर्म बना है बच्चों आप जानते हैं, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको इन बोलते हैं, यहाँ पे OH आ रहा है इनोल। तो ये फॉर्म जो 1,4 एडिशन से हमको मिला है ये इनोलिक फॉर्म होता है, और ये लेस स्टेबल होता है। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे टोटोमेराइजेशन होगा, टोटोमेराइजेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट में। ये हम लोग सब क्लियर करेंगे मैकेनिज्म में। अब यहाँ पे एक सवाल आपको परेशान कर सकता है कि सर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कौन से होते हैं। ध्यान रखिएगा, वो कंपाउंड जहाँ पे CH2 ग्रुप जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा होता है, वो CH2 ग्रुप हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेलोनिक एसिड का इथाइल एस्टर है, और यहाँ पे जो CH2S पर दोनों जो ग्रुप लगे हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, डैट्स वाई दिस CH2 ग्रुप इज मोर रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडजेसेंट अल्टरनेट पोजिशन पे दो कीटो ग्रुप लगे हैं, तो यहां पर जो CH2 ग्रुप है ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, सेम इज हियर, यहां पर ये भी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं जहां पे आप देख के पहचान सकते हैं कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जैसे नाइट्रो हो गया, नाइट्राइल हो गया, तो वो CH2 ग्रुप बन जाएगा आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब माइकल एडिशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनता है। आप जानते हैं हम रिएक्शन में बेस यूज करते हैं, बेस का काम होता है डीप्रोटोनेशन। तो आपने कहा कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है बच्चों, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में यहाँ पर हेटरोलिटिक क्लीवेज होगा, कार्बन बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से निकलेगा H+, उसको निकालने में हेल्प करता है हमारा बेस। मैंने बताया था बेस जो होता है वो प्रोटॉन को निकालता है। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, -C2H5OH, और अब जो यहाँ पर बचेगा, देखिए क्या बचा, यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो यहाँ पे कार्बन आयन बना है, और इसी स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में रिएजेंट और बेस की रिएक्शन से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। स्टेप टू में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बना है ये सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। आप जानते हैं सबस्ट्रेट में ये पोजीशन जो होती है 1, 2, 3 और ये 4th कहलाती है। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड हो ये
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सेम टाइम ड्यू टू कंजुगेशन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होते ही कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो जाएगा और यहाँ से ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इस फर्स्ट कार्बन पे बॉन्डिंग करेगा, एडिशन करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे ऐड हुआ, आपने कहा फर्स्ट पोजिशन पे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको एडिशन के बाद एडक्ट दिखाई देगा, इंटरमीडिएट दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ओ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ से हो गया है सिंगल और ये बॉन्ड हो गया है यहाँ पे डबल। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका ये एल्कोक्साइड आयन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो स्टेप में जो आपका बेस प्रोटोन को लेके निकला था, अब वो प्रोटोन बच्चों वापस आएगा इस रिएक्शन में यूज होने के लिए कुछ ऐसे। तो क्लियर है, यहाँ पे आपका बेस कैटलिस्ट था और कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के अंदर अनयूज रहते हैं, तो ये माइनस C2H5O यहाँ से वापस बाहर निकल गया क्योंकि बेस कैटलिस्ट है, रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा। यहाँ से ये H जो है कंबाइन हो जाएगा। तो आप ही देखिए कि एडिशन कहाँ हुआ और इससे क्या बना। तो देखिए फर्स्ट पे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे एच ऐड हुआ, दैट्स वाई इट इज नोन एज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होता है इस रिएक्शन के अंदर, एडिशन दो पोजीशन पे होता है, 1 और 4 पोजीशन पे। ये फॉर्म जो होती है आप जानते हैं ये कहलाती है इनोल, ऊपर स्टार्टिंग में बताया था आपको ब्रीफ करते हुए। और आप जानते हैं कि इनोल फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है और ये मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बाय टोटोमेराइजेशन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका टोटोमेराइजेशन कुछ ऐसे होगा, ये देखिए बॉन्ड डबल हो गया, यहाँ से आपका H प्लस निकलेगा, वो सेकंड पोजीशन पे आके कंबाइन हो गया और टोटोमेराइजेशन से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा डेट विल बी कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म होगी। लेकिन कीटो फॉर्म देखिएगा आप स्टार्टिंग से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है कीटो फॉर्म, ये मिला है आपको 1,2 एडिशन पे। फर्स्ट पोजिशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और दूसरी पोजिशन पे आपका प्रोटॉन ऐड हुआ। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो 1,2 एडिशन से मिलता है, दैट इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर कोई एक लाइन में पूछता है तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से स्टार्टिंग में 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है जो कि लेस स्टेबल होता है। बच्चों बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन रिएक्शन आपको दिया हुआ है, तीनों रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो आपका एक्टिव मिथाइलिन, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन जो आपका रिएजेंट है वो रिएक्ट कर रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बनल कंपाउंड के साथ। कंडीशन से आपको आइडिया हो भी गया होगा ये माइकल एडिसन के ही एप्लीकेशन है, यहाँ पे माइकल एडिसन ही रिएक्शन होगी। तो आप पॉज कीजिए, बनाइए और देखिए आपको कितना आया। तो बच्चों ये आपके आंसर हैं, इनको आप चेक कीजिए आपका कितने लोगों का सही आया है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है डेट इज कीटो फॉर्म, इन सब में आपने कीटो फॉर्म बनाई है और ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है। यहाँ पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, इन सब में 1,2 एडिशन ही हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले 1,4 कीजिएगा और फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिएगा 1,2 में। बच्चों आज हमने जाना माइकल एडिसन रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बनल कंपाउंड और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ होती है, जिसमें स्टार्टिंग में बनता है 1,4 एडिसन प्रोडक्ट, ये हमारी इनोलिक फॉर्म होती है जो फर्दर टोटोमेराइज होके मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड डेट इज सिंपली नोन एज 1,2 एडिसन प्रोडक्ट। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा।